बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन अ प्रीवियस वीडियो लेक्चर हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे दैट वाज कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने तीन डिफरेंट तरह के कॉन्फिडेंस इंटरवल्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने बात की थी कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन, एंड द सेकेंड वन वी हैव डिस्कस के कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन वॉज अननोन, और हमारे पास जो पॉपुलेशन जो सैम्पल साइज होना चाहिए दैट मस्ट बी लार्ज मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात की थी। और थर्ड जो हमने बात की थी दैट इज कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन और सैम्पल साइज स्मॉल हो। आज जो हम डिस्कस करेंगे हम कॉन्फिडेंस इंटरवल्स के साथ साथ जो है वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। सो द मेन टॉपिक इज द स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस फॉर मीन एंड वेरिएंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट मी स्टार्ट विद कि आपके पास सबसे पहले जो स्टैटिस्टिकल मैथड्स होते हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड द सेकेंड वन इज द इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को हमने डिफाइन किया था टू कलेक्ट द डेटा टू प्रेजेंट द डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि जब हम डेटा को डिस्क्राइब कर सकते हैं इन अ ग्राफिकल फॉर्म इन अ नंबर्स फॉर्म दैट इज अ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स को हमने डिफाइन किया था कि बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स व्हाट काइंड ऑफ कंक्लूजन वी कैन ड्रॉ अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है, सो जो हम पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स उसको हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। अब इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स को फर्दर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज द एस्टिमेशन ऑफ द पैरामीटर, अनदर इज द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ द पैरामीटर्स। एस्टिमेशन क्या होता है कि किसी भी पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करने का तरीकेकार क्या है, ठीक है, उसका प्रोसेस क्या है। और एस्टिमेशन को हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड एज अ पॉइंट एस्टिमेशन, अनदर वन इज कॉल्ड एज अ इंटरवल एस्टिमेशन। सो पॉइंट एस्टिमेशन हमारे पास क्या था, दैट वाज कि अगर आप कह रहे हो कि फॉर एग्जांपल मुझे पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करना है तो मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इसका एस्टिमेटर होता है दैट इज एक्स बार मैं कैलकुलेट करूँ। इस तरीके से अगर मुझे सिग्मा को एस्टिमेट करना है सो आई कैन कैलकुलेट सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज स्मॉल एस। सिग्मा स्केयर है तो मैं कैपिटल स्मॉल एस स्केयर कैलकुलेट कर लूँ। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है तो मैं पी हैट कैलकुलेट कर लूँ। सो पॉइंट एस्टिमेशन का मतलब ये है कि पैरामीटर के अगेंस्ट आप एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। सो दैट इज कि एक्स बार हमें एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा होगा और जो आंसर इसका होगा हम कहेंगे कि वही पॉपुलेशन मीन का आंसर है। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एवरेज वेट ऑफ द पॉपुलेशन। सो हम कह रहे हैं कि अगर मुझे एवरेज वेट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द पाकिस्तान कैलकुलेट करनी है सो बजाय इसके कि मैं इंटायर पॉपुलेशन के वेट को मेजर करूं मैंने उसमें रैंडम सैंपल ले लिया लेट से 1000 लोगों का, और जो उस 1000 लोगों का एवरेज आया वही हमने कहा कि वो इंटायर पॉपुलेशन के वेट को इंडिकेट कर रहा है। तो दिस इज द वे वी कैन एस्टिमेट द पॉपुलेशन पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट एस्टिमेशन। दूसरा क्राइटेरिया क्या है पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करने का, कि इंस्टेड ऑफ हम सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू से इस पैरामीटर को एस्टिमेट करें हम इंटरवल की फॉर्म में करें, जिसको हम इंटरवल एस्टिमेशन या कॉन्फिडेंस इंटरवल कहते हैं। सो कॉन्फिडेंस इंटरवल या इंटरवल एस्टिमेशन क्या करेगा कि बजाय इसके कि हम एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू दें वो हमें एक रेंज की फॉर्म में आंसर प्रोवाइड करेगा, ठीक है, और जिसमें हम कहेंगे कि ओके मैं अपने इस रेंज को कैलकुलेट कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि जो आपका पॉपुलेशन मीन है वो इस रेंज के अंदर लाई करेगा। फॉर दैट आई एम 90% कॉन्फिडेंट और 95% कॉन्फिडेंट हूँ कि आपका पॉपुलेशन मीन इस रेंज के अंदर लाई कर रहा होगा, ओके। एंड द नेक्स्ट वन इज कि हम उसको फिर टेस्ट भी कर सकते हैं। सो लेट मी स्टार्ट विद टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड देन साथ ही साथ हम कॉन्फिडेंस इंटरवल्स को भी डिस्कस करते रहेंगे। रिगार्डिंग पॉइंट एस्टिमेशन हम ऑलरेडी जो है इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हुए हैं इन प्रीवियस वीडियोस। सो लेट मी स्टार्ट विद के जी जब हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो आपके पास हाइपोथेसिस होता क्या है। सो हाइपोथेसिस बेसिकली एक बिलीफ होता है अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर, और वो पॉपुलेशन पैरामीटर क्या है, लेट से पॉपुलेशन मीन है या पॉपुलेशन वेरियंस है, ठीक है। मसलन फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि जैसे हमने एग्जाम्पल ली एवरेज वेट ऑफ द पाकिस्तानी मेल पर्सन कितनी है, सो हम वो कह रहे हैं कि मेरे ख्याल है कि उसकी जो यहाँ पे एज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एवरेज जो एज है ना वो 50 है, बट हमने सैंपल कलेक्ट किया फ्रॉम द पॉपुलेशन सो दिस इज एंटायर पॉपुलेशन
और उसमें से मैंने एक सैम्पल कलेक्ट किया और मैंने जब एवरेज ली वो आया 20। सो दैट मीन वो जो मेरा बिलीव था कि एवरेज एज ऑफ द पॉपुलेशन इज 50, क्या वो ठीक है? सो हम कह रहे हैं कि बेस्ड ऑन दिस रिजल्ट्स वी शुड रिजेक्ट दिस बिलीव कि वो 50 नहीं है बल्कि 20 है। सो इस चीज को मुझे टेस्ट करना है विद अ स्पेसिफिक प्रोसीजर और विद अ स्पेसिफिक फार्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या जो मेरा बिलीफ है वो ठीक है या नहीं। सो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दैट इज टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, कि हमारा जो बिलीफ है मुझे उसको टेस्ट करना है। फॉर दैट वी आर यूजिंग द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब जब हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की बात कर रहे होते हैं, इट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट द टू स्टेटमेंट्स, दैट इज नल हाइपोथेसिस स्टेटमेंट्स एंड अदर इज अ ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्टेटमेंट। सो यूजली नल हाइपोथेसिस स्टेटमेंट आपकी इनिशियल बिलीव के बारे में होता है कि ओके, मेरे ख्याल के अंदर एवरेज पॉपुलेशन की जो एज है वो 50 है। तो ऑल्टरनेटिव क्या होगा, हमेशा आपकी नल हाइपोथेसिस स्टेटमेंट का ऑपोजिट होगा। सो इसको हम H1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को HA से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नल हाइपोथेसिस अगर इक्वालिटी होगा तो ऑल्टरनेटिव क्या होगा, नॉट इक्वल। तो ऐसे टेस्ट को हम कहते हैं टू टेल टेस्ट, मीन इस कंडीशन को हम टू टेल टेस्ट कंडीशन कहते हैं, बिकॉज हम डिस्ट्रीब्यूशन की बोथ साइड को इस्तेमाल कर रहे होंगे। ओके, जब वन टेल की तरफ आते हैं, जैसे हमने वन साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल देखा था, और जब हम यूजली टू साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल कर रहे होते थे तो बेसिकली हम टू टेल्स को इस्तेमाल कर रहे थे। वन साइडेड का क्या मतलब आ गया कि अगर मेरे पास लाइक नल हाइपोथेसिस ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाए, तो इसको आप सिंपल ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखने के बजाय सिंपल इक्वल भी लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमें वन टेल टेस्ट या टू टेल टेस्ट का हमेशा हम कहाँ से डिसीजन कर रहे होंगे, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बेसिस के ऊपर हम डिसाइड कर रहे होंगे कि अगर नॉट इक्वल है H1 या ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो हम कहेंगे कि टू टेल टेस्ट है। अगर H1 लेस देन है या ग्रेटर देन है, सो इट्स अ वन टेल टेस्ट। सो ऑब्वियसली नॉर्मली हम क्या होता है कि जब H1 लेस है तो ऑल्टरनेट नल हाइपोथेसिस क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। बट इसको अगर आप एवरी टाइम इक्वल टू भी लिख दो तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वंस के हमने क्या करना है कि हमने जब भी कोई हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है तो हमने कहना है ओके, नल हाइपोथेसिस स्टेटमेंट क्या और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, ताकि हम उन स्टेटमेंट्स में से पिक कर सकें कि कौन सी स्टेटमेंट को मुझे एक्सेप्ट करना है और कौन सी स्टेटमेंट को मुझे रिजेक्ट करना है। ठीक है जी, ओके। सो लाइक जैसे यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, और हमने यहाँ से जो है वो नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्टेटमेंट क्रिएट करनी है। सो एग्जांपल क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो इंटरेस्टेड है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द न्यू मटीरियल यूज इन द फाउंडेशन ऑफ टावर, ठीक है, इफेक्ट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द टावर फाउंडेशन। विल द फाउंडेशन स्ट्रेंथ इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन अनचेंज? सो दैट मीन वी आर नॉट श्योर अबाउट कि जो हमारा जो एवरेज स्ट्रेंथ है वो कम है या ज्यादा है, ठीक है। सो दैट मीन इट्स अ टू टेल टेस्ट। सो हमारा एच नॉट क्या आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 5000, और ऑल्टरनेटिव क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू, ठीक है जी। सो याद रखिएगा कि अगर आपके पास जो है वो क्वेश्चन के अंदर जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बारे में श्योरिटी ना हो, जैसे यहाँ पे है कि वो कम या ज्यादा है, तो हम टू टेल टेस्ट होगा और एच नॉट पहले हम बना लेंगे विच इज इक्वल टू, और ऑल्टरनेटिव क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, सो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अ डिजाइन इंजीनियर डिवेल्प एन एडिटिव टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ ऑटोमोबाइल बैटरी, ठीक है। सो उसने इस तरह का डिजाइन बनाया कि ऑटोमोबाइल बैटरी की जो लाइफ है वो इंक्रीज कर जाए इफ द मीन लाइफ इज 36। ओके, सो अब हमारा क्या आ जाएगा, वन टेल टेस्ट आ जाएगा। सो हमारे पास जो एच नॉट और एच वन क्या बन जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास वो जो वर्डिंग है। सो याद रखिएगा, अगर ऐसा वर्ड है जिसके अंदर वो पर्टिकुलर नंबर शामिल नहीं है तो आपने H1 पहले बनाना है, अगर वो नंबर शामिल है तो आपने H0 स्टेटमेंट पहले बनानी है। अब जैसे इंक्रीज में 36 इंक्लूडेड नहीं है, इसका मतलब है 36 से ज्यादा, नॉट इंक्लूडिंग 36। सो इट मीन हम H1 पहले बनाएंगे विच इज ग्रेटर देन, क्योंकि इंक्रीज का बात कर रहे हैं, और नल हाइपोथेसिस क्या बन जाएगा, दैट इज ऑपोजिट टू दैट वन, ठीक है। सो अगर ये ग्रेटर है तो ये लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा। इसको अगर मैं इक्वल टू भी लिख दूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वी नो दैट कि हम वन टेल टेस्ट या टू टेल टेस्ट का जो हम गेस कर रहे होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ H1 कर रहे होते हैं, क्योंकि H1 जो है अगर नॉट इक्वल टू है तो वो टू टेल होगा, और अगर H1 ग्रेटर देन या लेस है तो वो वन टेल टेस्ट होगा। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर विशेज टू लोअर द हीटिंग बिल बाई यूजिंग द स्पेशल टाइप ऑफ
installation if the average monthly is 78, again lower. So it means 78 शामिल नहीं है. इट मीन हम एच वन पहले बनाएंगे विच इज म्यू इज लेस देन 78, और नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू. सिमिलरली नल एंड हाइपोथेसिस स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास यहाँ पे मजीद कुछ एग्जाम्पल्स हैं. इसमें वो कह रहे हैं कि इंजीनियर जो है वो हाइपोथाइज कर रहे हैं द मीन नंबर ऑफ डिफेक्ट्स कैन बी डिक्रीज. ओके, अगेन डिक्रीज का आ गया, सो इट मीन, और जो हमारे पास मीन नंबर ऑफ डिफेक्ट्स है वो 18 है, सो इट मीन एच वन हम पहले बना लेंगे विच इज म्यू इज लेस देन 18, तो और नल हाइपोथेसिस हमारा क्या बन जाएगा, म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18. ठीक है जी. अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो हमारे पास वन टेल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कह रहे हैं क्योंकि सेफ्टी इंजीनियर जो क्लेम कर रहा है दैट विल रिड्यूस ओके द एक्सीडेंट रेट पर ईयर. सो इट मीन एच नॉट हमारे पास हम बाद में बनाएंगे, पहले हम एच वन बना लेंगे विच इज म्यू इज लेस देन 9, राइट, क्योंकि रिड्यूस है, तो नल हाइपोथेसिस क्या बन जाएगा, म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9. ओके, इसी तरीके से थर्ड स्टेटमेंट को अगर हम पढ़ते हैं विच इज बेसिकली द टू टेल, अगर आप इसको पढ़ो तो इसमें लिखा है इंक्रीज और डिक्रीज, सो बेसिकली दे आर नॉट श्योर कि वो कम है या ज्यादा है. तो इट मीन एच नॉट टू टेल के अकॉर्डिंगली म्यू क्या आ जाएगा, 7, और ऑल्टरनेटिव क्या बन जाएगा, म्यू इज नॉट इक्वल टू 7 हमारे पास स्टेटमेंट बन जाएगी. सो जब भी हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करना होता है सो हम जो है वो सबसे पहले नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्टेटमेंट्स क्रिएट कर रहे होते हैं. सो यहाँ पे हम अभी सिंगल मीन के पॉइंट ऑफ व्यू से करें, सो देर आर अदर कंडीशंस एज वेल जो कि हम लेटर ही डिस्कस करेंगे. सो बेसिकली हमारे पास आ जाता है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम किस पर्पस के लिए कर रहे होते हैं. सो अगर आपने फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं कि जब भी आपने किसी के क्लेम को टेस्ट करना हो, फॉर एग्जांपल बीइंग प्रोडक्शन मैनेजर कोई पर्सन मुझे कहता है कि जी हमारे जो प्रोडक्शन के अंदर एवरेज नंबर ऑफ डिफेक्टिव जो है वो 20 पर डे है, ठीक है. सो अब अगर आपने उसके क्लेम को टेस्ट करने के क्या ये बंदा ठीक कह रहा है या नहीं कह रहा, तो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूज़ कर सकते हैं जैसे अभी हम एग्जांपल्स देख रहे थे. इसके अलावा अगर मुझे ये चेक करना है कि कौन से, अगर मैं डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल इस्तेमाल कर रहा हूँ तो कौन सा मटेरियल जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है, लाइक अगर फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि मैं 3 डिफरेंट तरह के मटेरियल से प्रोडक्ट बना सकता हूँ, तो हम एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं विद द डेटा कि आपके पास कौन सा मटेरियल जो है वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है इन ऑर्डर टू मेकिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. इसी तरीके से अगर मुझे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करना हो, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लीनिंग सॉल्यूशंस को कंपेयर करना हो कि कौन सा क्लीनिंग सॉल्यूशन बेहतर है कौन सा नहीं है, इसी तरीके से अगर मुझे डिफरेंट तरह की मशीन्स को कंपेयर करना हो कि परफॉर्मेंस वाइज कौन सी मशीन जो है वो ज़्यादा थ्रूपुट रेट प्रोड्यूस कर रही है, सो उस सेंस के अंदर हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग को इस्तेमाल कर रहे होते हैं. सो रिमेंबर दैट सैम्पलिंग रिस्क को डिस्कस करने से पहले कि हम क्या कर रहे होते हैं कि मसलन फॉर एग्जांपल मुझे दो मशीन को कंपेयर करना है, सो वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लाइक सच एज हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं या दो का बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं, एंड देन हम उसके ऊपर डिसीजन या मीन यू कैन से कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते, हम हाइपोथाइज कर सकते हैं ओके मे बी ये मशीन बेहतर है या ये वाली मशीन बेहतर है, ठीक है. लेकिन उसके लिए हम जो ड्रॉ करेंगे वो हम विद द हेल्प ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग ही कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे होंगे. सो इस चीज़ को याद रखिएगा ओके. बट अब जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करते हैं तो हम बेसिकली जो डिसीजन कर रहे होते हैं वो बेस्ड ऑन द सैम्पल डेटा डिसीजन कर रहे होते हैं ओके. मीन वो प्रोबेबिलिस्टिक बेस्ड के ऊपर डिसीजन मेकिंग की जा रही होती है, सो दैट मीन हमारे उस डिसीजन के अंदर एरर मौजूद हो सकते हैं ड्यू टू द सैम्पलिंग फ्रॉम द पॉपुलेशन, ठीक है जी, कि हमने सैंपल ठीक तरीके से नहीं कलेक्ट किया या सैंपल अगर बेहतर भी है तो इवन देन आपके जो है उसके अंदर एरर मौजूद हो सकता है. अब वो दो तरह के एरर्स होते हैं, वन इज कॉल्ड एज टाइप वन एरर, अनदर इज कॉल्ड एज टाइप टू एरर. टाइप वन एरर को हम अल्फा रिस्क भी कह देते हैं और टाइप टू एरर को हम बीटा रिस्क भी कह देते हैं. अब टाइप वन एरर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि हम कहते हैं कि रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, कि एक पर्सन ठीक है लेकिन हम उसको रिजेक्ट कर दें. लाइक जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल इन अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हम कह रहे हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं और हम जीन प्रोड्यूस कर रहे हैं और जीन की लेंथ जो है ऑन एवरेज हम कह रहे हैं कि लेट्स से जी वो 30 इंचेस आनी चाहिए ओके. अब वो 30 इंचेस जो है वो नहीं आ रही बल्कि आपका जो मीन है वो ड्रिफ्ट कर चुके हैं, ठीक है. सो हम कह रहे हैं कि कंक्लूडिंग दैट द प्रोसेस हैज़ ड्रिफ्ट,
ओके व्हेन इट इज रियली नॉट मीन, आपने ये कह दिया कि मीन ड्रिफ्ट कर चुका है, ओके मीन हम 30 इंचेस जीन नहीं बना पा रहे, ठीक है, जबकि वो हम बना पा रहे थे, ठीक है, राइट। सो यहाँ पे क्या, कंक्लूडिंग दैट प्रोसेस इज ड्रिफ्ट बट व्हेन इट इज रियली नॉट, सो एक्चुअली में वो ड्रिफ्ट हुआ नहीं, बट हमने ये कह दिया कि नहीं जी प्रोसेस का मीन जो है वो शिफ्ट हो गया, मीन हम 30 इंच जीन्स की लेंथ नहीं बना पा रहे, सो दैट इज कॉल्ड एज अ एल्फा रिस्क, मीन रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। इस तरीके से बीटा इसका ऑपोजिट आ जाता है कि एक्सेप्टिंग एच नॉट व्हेन एच वन इज फॉल्स, मीन आपका ड्रिफ्ट हो चुका था लेकिन हम उस ड्रिफ्ट को पकड़ नहीं सके, मीन हम जो है वो जीन की लेंथ जो है वो 30 इंचेस नहीं बना पा रहे लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि हम उसको जो है वो उसमें क्या है कि ड्रिफ्ट हुआ भी है कि नहीं, मीन उसकी लेंथ हम बना एक्चुअली बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे, ठीक है जी। सो दैट मीन फेलिंग टू डिटेक्ट द ड्रिफ्ट दैट हैज अकर्ड इन अ प्रोसेस, राइट। और यू कैन से कि हमारे पास जब एच नॉट स्टेटमेंट फॉल्स है बट हमने उस एच नॉट स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज कॉल्ड एज अ बीटा रिस्क। सो यूजली हमारे पास क्या होता है कि हमने इन दोनों रिस्क को जो है वो कम करना होता है और इनका आपस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है कि आपका जो अल्फा को अगर आप कम करने जाओगे तो बीटा बढ़ जाएगा, बीटा को कम करने जाओगे तो अल्फा बढ़ जाएगा। तो इसका एक ही सोल्यूशन है दोनों को डिक्रीज करने के लिए, सेलेक्ट द रीजनेबल सैम्पल साइज, और यू कैन से कि आप सैम्पल साइज को इंक्रीज करते जाओ तो आपका ये दोनों रिस्क कम होना शुरू हो जाएंगे। और ये हमारे पास एक ओवरऑल टेबल हमें गिवन है कि किस सिचुएशन में हम करेक्ट डिसीजन कर रहे हैं, किस सिचुएशन के अंदर आपके पास कोई पर्टिकुलर एरर आ रहा है। तो हम जाहिर बात है ये चाहेंगे कि आपके पास जो यूजली टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में लिया जा रहा होता है वो हम अल्फा रिस्क के अकॉर्डिंगली यूज़ करते हुए डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। मसलन फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मेरा जो प्री डिसाइडेड अल्फा है वो 5% है, इट मीन वट एवर द डिसीजन आई एम टेकिंग अगेंस्ट माई पॉपुलेशन पैरामीटर, तो मेरे उस डिसीजन के अंदर अप टू 5% तक एरर मौजूद है, ठीक है। सो इसको अब आगे जाके हम मजीद डिस्कस करते हैं। सो ये याद रखिएगा जब भी हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करना होता है तो हम उसके अंदर एक प्री डिसाइडेड अल्फा रख लेते हैं, मीन मेरे उस डिसीजन के अंदर कितने परसेंट तक एरर मौजूद है। सो आप जितना अपने डिसीजन के अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहते हो आप उतना अल्फा कम रखने की कोशिश कर रहे थे। ओके सो अब हमारे पास आ जाते हैं कि जो हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस या कॉन्फिडेंस इंटरवल के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को डिस्कस करेंगे, उसमें हम जेड टेस्ट या जेड डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं, टी डिस्ट्रीब्यूशन, काइस्केर टेस्ट या काइस्केर डिस्ट्रीब्यूशन और एफ डिस्ट्रीब्यूशन को इस्तेमाल कर रहे होंगे। इन डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करने के लिए जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये है कि आपका जो डेटा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए वो नॉर्मल होनी चाहिए, और अगर नॉर्मल नहीं है तो इनके ऑपोजिट हम फिर डिस्ट्रीब्यूशन या मीन टेस्ट को इस्तेमाल कर रहे होंगे। बट फिलहाल हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि आपके जो डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैसे चेक कर सकते हैं, एक तो हम थ्रू हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, अगर वो हिस्टोग्राम जो है वो ग्राफिकली हम देखें कि वो सिमेट्रिकल है या स्क्यूड है, अगर वो सिमेट्रिकल है तो इट लुक लाइक कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, या हम मीन मीडियन की वैल्यूज को कैलकुलेट करें अगर वो इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि वो सिमेट्रिकल है, या इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास डिफरेंट तरह के टेस्ट भी अवेलेबल है, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी आर के अंदर अपलोड किया हुआ है। सो उसको लाइक एंडरसन डार्लिंग हमारे पास टेस्ट है एक, इस तरीके से अदर टेस्ट भी अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से जाके भी चेक कर सकते हो जो प्रॉबर्टी एंड स्टेटिस्टिक्स यूजिंग आर वाली प्लेलिस्ट है। सो उसमें हमारे पास ये वाले टेस्ट ऑलरेडी हमने परफॉर्म मैंने किए हुए हैं, सो वहाँ से भी चेक कर सकते हो कि हाउ वी कैन टेस्ट कि डेटा नॉर्मल है या नहीं बिफोर अप्लाइंग जेड टी काई और एफ टेस्ट को। सो फिलहाल हम जो है वो ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपके पास जो है जो डेटा है वो नॉर्मल है, सो इफ़ आई वांट टू गो फॉर जेड टी काई एंड एफ। अब हमने ये करना है कि जेड की सिचुएशन में यूज़ करना है, टी टेस्ट की सिचुएशन में यूज़ करना है, काई स्क्वायर और एफ टेस्ट, तो उसके लिए हम सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड कर लें कि इनके दरमियान आपस में रिलेशनशिप क्या है। सो जेड बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आता है और जेड को हम कहते हैं इट्स अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर हम वो कहते हैं कि अगर एन इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और हम हर वेरिएबल को मीन स्टैंडर्ड नॉर्मल में से अपने वेरिएबल्स को सिलेक्ट किया हुआ है और वो एन वेरिएबल्स हैं उनका अगर हम स्क्वेयर करके जमा कर दें तो वो काई स्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। सो दिस इज अ काई स्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूशन।
और दूसरा क्या है कि काई स्क्वायर और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉम्बिनेशन से टी डिस्ट्रीब्यूशन हम क्रिएट कर लेते हैं, जो कि आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही नज़र आ रही होती है, सिमेट्रिकली होती है। रिलेशनशिप क्या है, दैट इज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल डिवाइडेड बाय काई स्क्वायर नॉर्मल एंड वेरिएबल डिवाइडेड बाय एन, एन इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ वैल्यू विच इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ फ्रीडम, हम इसको कह रहे होते हैं। और अगर हम काई स्क्वायर्स का आपस में डिवाइड कर दें, मीन उसके रेशियो ले लें, देन इट वुड बिकम अ एफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर हम डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे पहले जी और टी के अंदर डिफरेंस क्या है, दोनों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, लेकिन फर्क क्या आता है यहाँ पे टेल्स के अंदर। सो टी डिस्ट्रीब्यूशन की जो टेल्स होती हैं वो ज़्यादा थिकर होती हैं, जबकि जेड डिस्ट्रीब्यूशन की जो टेल्स होती हैं वो ज़्यादा थिनर होती हैं, मीन उनका वो जो एक्स एक्सिस के ज़्यादा करीब लाई कर रही होती हैं, ठीक है। जबकि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन भी पॉजिटिव स्क्यूड होती है और एफ डिस्ट्रीब्यूशन भी पॉजिटिव स्क्यूड होती है, ओके। लेकिन द डिफरेंस इज कि अगर हम देखें कि जो आपके पास के की वैल्यू को इंक्रीज करने से एट द एंड वो आप अपनी एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ ही मूव कर रहे हो, विच इज़ अ नॉर्मल। सो जैसे जैसे आपका के विच इज़ अ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ ही मूव कर रहा है। सेम इज़ द केस कि एफ के दो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होते हैं एन और एम, तो उसमें भी जब एन और एम इंक्रीज कर रहे हैं तो आप ओरिजिनल एफ सॉरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ मूव कर रहे हो, तो एक्चुअली वो होती स्क्यूड है, ठीक है जी। सो बेसिकली जब भी आपने जेड डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करनी हो, टी डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर या एफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके लिए आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपका जो डाटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बिकॉज इन डिस्ट्रीब्यूशन की ये प्री अजम्पशन है। द रीज़न इज दे आर एज यू कैन सी दैट के ये वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ही लिंक हो रही है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमने जेड टेस्ट मीन जेड डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड का टेस्ट कब अप्लाई करना है, टी टेस्ट कब अप्लाई करना है, काई स्क्वायर टेस्ट कब अप्लाई करना है। सो अगर आपने मीन को किसी स्पेसिफिक वैल्यू के साथ कंपेयर करना हो या दो मीन्स को आपस में कंपेयर करना हो, तो उस वक्त हम जेड और टी टेस्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब आपने कि दो वेरिएंसेस को कंपेयर करना हो, मीन वेरिएशन वाइज जब आपने दो चीज़ों को कंपेयर करना हो, तो हम एफ टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और जब हमने सिंगल वेरिएंस को किसी स्पेसिफिक वैल्यू के अगेंस्ट कंपेयर करना हो, तो देन हम काई स्क्वायर टेस्ट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो फिलहाल हम जो इस लेक्चर के अंदर जो है वो जेड और टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, ठीक है जी। सो जेड और टी जैसे हमने पहले बताया कि ये मीन को टेस्ट करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और ये तीनों कंडीशन हमने विद रिस्पेक्ट टू कॉन्फिडेंस इंटरवल्स देखी थी कि कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने कैलकुलेट करना है फॉर पॉपुलेशन मीन व्हेन द पॉपुलेशन वेरिएंस या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता हो, ठीक है। सो जब हम यूज़ कर रहे थे जेड इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा ओवर एन अंडर रूट, इसको हम इस्तेमाल कर रहे होते थे इन टर्म्स ऑफ, अगर हमें सेंट्रल लिमिट थ्योरम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद है। सो कॉन्फिडेंस का फॉर्मूला क्या था फ्रॉम दिस, वो था एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फा बाय टू सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। जब हम कहते थे कि पॉपुलेशन अननोन है और सैम्पल साइज लार्ज है, तो सिग्मा की जगह पे क्या आ जाता था, कैपिटल एस। जबकि इस सिचुएशन में हम टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं बिकॉज सैम्पल साइज इज लेस देन 30 और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन हो, तो हम कहते हैं एक्स बार प्लस माइनस टी अल्फा बाय टू डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास क्या आ जाएगा, एन माइनस वन स्मॉल एस ओवर एन अंडर रूट, विच इज़ अ अनबायस्ड सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन। सो कैपिटल एस का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, विच इज समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वेयर ओवर एन होता है, जबकि स्मॉल एस का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, विच इज समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वेयर ओवर एन माइनस वन हमारे पास होता है। सो लेट मी स्टार्ट विद, हमने इस इनके कॉन्फिडेंस इंटरवल्स तो लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, अब हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर मुझे इस सिचुएशन को टेस्ट करना हो, तो वो स्नैरियो क्या बनता है। अब टेस्ट करने के लिए हमारे पास जो स्टेप्स हैं, नंबर वन हम जो लिख रहे होंगे वो नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिख रहे होंगे। आपके पास प्रोसीजर क्या है कि मुझे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर मीन करने व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन, तो मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूँ, ओके। बेसिकली नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इन तीनों में एक ही तरह से लिखा जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि आपका एच नॉट क्या है, दैट इज़ अ नल हाइपोथेसिस के म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट हो सकता है, और ऑल्टरनेटिव क्या होगा, म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट। सो म्यू नॉट इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन मीन, ठीक है। सो ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं टू टेल टेस्ट। लाइक जैसे हम
टेस्ट करना चाह रहे हैं कि एवरेज एज ऑफ द पॉपुलेशन इज 50 ईयर, सो वो म्यू नॉट क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, और ऑल्टरनेटिव क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 50 आपके पास आ जाएगा. सो म्यू नॉट इज बेसिकली 50 है. ओके, और या हमारे पास सिचुएशन क्या हो सकती है कि एच नॉट म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू नॉट, और ऑल्टरनेटिव क्या हो जाएगा, म्यू इज लेस देन म्यू नॉट हो जाएगा. ओके, या आपके पास कंडीशन हो सकती है कि एच नॉट म्यू इज लेस देन और इक्वल टू म्यू नॉट है, तो ऑल्टरनेटिव क्या हमारे पास आ जाएगा, म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट आ जाएगा. तो इसको हम कहते हैं वन टेल टेस्ट. ठीक है, सो जैसे कि हमने शुरू में स्लाइड्स के अंदर भी देखा था. उसके बाद क्या कि अब आपके पास जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें इन तीन सिचुएशन में से कोई एक सिचुएशन अकर हो रही होगी. देन द सेकेंड स्टेप इज वी हैव टू सिलेक्ट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसको हम अल्फा कह रहे होते हैं. मीन कि आप के अंदर जो प्रॉबिलिटी ऑफ रिजेक्शन है वो आप कितनी रखना चाह रहे हो. दैट मीन कि आप अपने डिसीजन के अंदर कितने परसेंट तक एरर एक्सेप्ट कर रहे हो. सो अल्फा 5% आप रख सकते हो, 1% रख सकते हो. ठीक है, सो जो भी डिपेंडिंग अपॉन कि आपने वो अल्फा क्या रखना है. देन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं. टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मीन हमने फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है. जैसे हम कह रहे हैं कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर पॉपुलेशन मीन व्हेन सिग्मा इज नोन, तो देन उस सिचुएशन में हम जेड यूज़ करेंगे टेस्ट, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा ओवर एन अंडर रूट. और अगर आपके पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन हो और सैंपल साइज लार्ज हो तो फार्मूला यही रहेगा, सिर्फ फर्क क्या आएगा, सिग्मा की जगह पे कैपिटल एस आ जाएगा. ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है कि अब हमने इसको कंप्यूट आउट कर लेना है. मीन बेस्ड ऑन द गिवन डाटा हमने जेड की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है. और फिफ्थ स्टेप में हमने क्रिटिकल रीजन निकाला. क्रिटिकल रीजन क्या होता है कि अगर आपका टेस्ट टू टेल है, ओके, तो देन आपके पास आ जाएगा जेड मॉडुलस ग्रेटर देन और इक्वल टू जेड अल्फा बाय टू, वेयर दिस जेड वैल्यू इज बेसिकली द कैलकुलेटेड वैल्यू, और ये वाली वैल्यू हम टेबल से निकाल रहे होंगे. और उसको निकालने का तरीका हम वैसे पीछे भी डिस्कस करते आए हैं, लेकिन अभी जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ पर भी हम इसको डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर आपके पास एच वन ग्रेटर आ जाए, ओके, तो देन आपके पास क्रिटिकल रीजन क्या होगा, मीन वन टेल के अकॉर्डिंगली, तो क्रिटिकल रीजन होगा जेड इज ग्रेटर देन जेड एल्फा. जबकि अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेस देन है तो देन होगा जी जेड इज लेस देन माइनस जेड एल्फा, आपके पास वैल्यू आ रही होगी. ठीक है जी, सो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कौन सा है, नॉट इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन, उसके अकॉर्डिंगली हम जो है वो क्रिटिकल रीजन को अप्लाई कर रहे होंगे. ओके, एट द एंड अगर ये बेस्ड ऑन दिस क्रिटिकल रीजन अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, ओके, लाइक दिस इज अ कैलकुलेटेड वैल्यू, दिस इज अ टेबल वैल्यू, दिस इज अ कैलकुलेटेड वैल्यू, दिस इज अ टेबल वैल्यू, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम क्या करेंगे, रिजेक्ट एच नॉट. सो वो जो स्टेटमेंट है आपकी एच नॉट की, उसको हम रिजेक्ट कर देंगे. और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो हम कहेंगे डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट, और यू कैन से एक्सेप्ट एच नॉट, एंड देन वी कैन प्रोवाइड द इंटरप्रिटेशन अबाउट द रिजल्ट. लाइक जैसे हम कह रहे हैं कि कंक्लूजन तो हमने कर लिया स्टेटिस्टिकल, बट इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या बन रहा है. ठीक है, सो जब हम इसकी एग्जाम्पल अभी जैसे ये वाली एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं वहाँ से हमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा. ओके, लाइक जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल क्या है कि एक एयर क्रू स्केप सिस्टम है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमें कह रहे हैं कि जो जो डाटा गिवन है, स्पेसिफिकेशन रिक्वायर द मीन बर्निंग रेट मस्ट बी 50 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड होना चाहिए. ठीक है, और सो दैट मीन दिस इज गिवन अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर है, और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने 5% रखा हुआ है, एंड 25 है, और एक्स पर 51.3 है. सो इज इट अ वन टेल और इज इट अ टू टेल टेस्ट, बिकॉज उसने हमें पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में कुछ नहीं बताया कि वो किसी से ग्रेटर है या ज़्यादा है. सो इट मीन इट लुक लाइक अ टू टेल टेस्ट. ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है जिसमें वो कह रहा हो कि वो उससे ग्रेटर है या लेस है. वो कह रहा है इट मस्ट बी 50. सो दैट मीन हमारा जो स्टेप नंबर वन है, दैट इज नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. ओके, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा जो बन जाएगा वो आ जाएगा जी एच नॉट म्यू इज इक्वल टू 50, और ऑल्टरनेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू इज नॉट इक्वल टू 50. सो इट्स अ टू टेल टेस्ट, राइट, बिकॉज जैसे हमने कहा कि वो हमें पॉपुलेशन मीन के बारे में नहीं पता कि वो 50 से ग्रेटर है या ज़्यादा है, कोई श्योरिटी नहीं है. सो इट्स अ टू टेल टेस्ट. के सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि व्हाट शुड बी द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मीन
हम अपने डिसीजन के अंदर कितने परसेंट तक एरर जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, सो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास अल्फा जो है वो कितना है जी, 5%, ठीक है, विच इज 0.5। सो दैट मीन वट एवर द डिसीजन आई एम टेकिंग, सो उसके अंदर जो है वो 5% तक एरर मौजूद होगा। सो दिस इज अ प्री डिसाइडेड। थर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज अ टेस्ट स्टेटिस्टिक। ओके, सो टेस्ट स्टेटिस्टिक मीन कि जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, सो वो क्या, दैट इज जेड इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा ओवर एन अंडर रूट, बिकॉज हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है। थर्ड हमारे पास क्या होता है कि हमने अपने इस फॉर्मूला को कैलकुलेट करना है, सॉरी द फोर्थ स्टेप, हमने इसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या चाहिए कि जेड इज इक्वल टू एक्स बार हमारे पास गिवन है 51.3 माइनस म्यू इज गिवन 50 डिवाइडेड बाय सिग्मा इज 2 स्क्वायर रूट ऑफ 25। सो अगर हम इसको कैलकुलेट करें विच इज 1.3 2 डिवाइडेड बाय 5, सो आपके पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है जी की, अगर हम इसको कैलकुलेट करें सो दैट वुड बी इक्वल टू 1.3 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा जी 2, सो विच इज इक्वल टू 3 पॉइंट, सो जी हमारे पास आ रहा है बेसिकली 3.25। ठीक है जी, ओके, फिफ्थ स्टेप में हमने कहा था कि अब हमने क्या कर लेना जी, क्रिटिकल रीजन। सो हमारे पास जो क्रिटिकल रीजन है या और यू कैन से द डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया, सो बाय द वे हम 3 तरीकों से डिसीजन कर सकते हैं, बट फिलहाल हम क्रिटिकल रीजन के मेथड से जो है वो डिसीजन कर रहे हैं। सो क्रिटिकल रीजन क्या है, क्योंकि टू टेल है तो वो आ जाएगा जी जेड मॉडुलस ग्रेटर देन और इक्वल टू जेड अल्फा बाय 2। ठीक है जी, अब ये वाली वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं विच इज 3.25। सो मॉडुलस का मतलब क्या है कि अगर ये नेगेटिव भी है तो हमने पॉजिटिव कंसिडर करना है। अब हमने जेड अल्फा बाय 2 की वैल्यू निकालनी है, तो उसको निकालने का तरीकाकार क्या है कि क्योंकि ये टू टेल टेस्ट है, सो आपके पास यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाएगा, माइनस जेड अल्फा बाय 2 पॉजिटिव जेड अल्फा बाय 2, ठीक है, और यहाँ पे वी नो दैट जी इज इक्वल टू 0 होता है। अब ये दोनों मिला के जो अल्फा की वैल्यू है वो बन रहे हैं 5%, सो दैट मीन दरमियानी एरिया हमें पता है 1 माइनस अल्फा के बराबर होता है, दैट वुड बी 95%, विच मीन 0.95 होगा। सो अगर क्योंकि ड्यू टू द सिमेट्रिकल कर्व, अगर हम इसको 2 पर डिवाइड करें तो सेंटर पॉइंट से ये वाला एरिया भी 0.4750 होगा और ये वाला एरिया भी 0.4750 होगा। सो हमने इसको जेड टेबल में इनवर्स मेथड से देख लेना है। सो अगर मैं इसको जेड टेबल में इनवर्स मेथड से देखूँ तो वो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है दैट वुड बी इक्वल टू 0.4750। अब हम यहाँ से उसको देख रहे हैं, दैट इज इक्वल टू दिस वन विच इज 1.9, और इसके ऊपर हमारे पास क्या है जी 6, सो दैट मीन हमारे पास जो जेड अल्फा बाई 2 की वैल्यू आ रही है विच इज 1.96 आ जाएगी। ओके, द सिक्स वन इज कि अब मुझे जो है वो कंक्लूजन ड्रॉ करना है, ठीक है। सो कंक्लूजन हमारे पास क्या आ जाएगा, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू वी विल से रिजेक्ट एच नॉट, ठीक है, रिजेक्ट एच नॉट। सो इस रिजेक्ट एच नॉट का क्या मतलब है, जो सेवन स्टेप में हमने इंटरप्रिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम कहेंगे कि आपके पास जो मीन बर्निंग रेट है दैट इज नॉट इक्वल टू 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, बट वी डोंट नो वेदर इट इज ग्रेटर देन 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड है या लेस देन, बट इट इज नॉट 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो क्लेम किया जा रहा था वो गलत क्लेम किया जा रहा है, ठीक है जी। ओके, अब हम आ जाते हैं कि आपके पास 3 तरीके हम इस्तेमाल कर सकते हैं कंक्लूजन को ड्रॉ करने के। अभी हमने जो कंक्लूजन का क्राइटेरिया डिस्कस किया विच इज अ क्रिटिकल रीजन की बेसिस के ऊपर हमने डिसीजन किया था कि एच नॉट को रिजेक्ट कर दिया जाए। देर इज अनदर 2 वे जो कि हम यूज कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू पी वैल्यू एंड विद रिस्पेक्ट टू कॉन्फिडेंस इंटरवल। सो कॉन्फिडेंस इंटरवल हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, बट इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं टू मेक अबाउट कि मुझे एच नॉट को एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट, वो भी हम डिस्कस करते हैं। बट बिफोर दैट हम डिस्कस करें कि पी वैल्यू मैथड क्या है। सो सबसे पहले पी वैल्यू होती क्या है। सो पी वैल्यू आपके पास क्या होती है, दैट इज बेसिकली द एक्सट्रीम प्रोबेबिलिटी फ्रॉम योर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। लाइक जैसे हमने यूज किया टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जेड इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर एन अंडर रूट, ठीक है। सो अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो जेड स्टैटिस्टिक्स की जो वैल्यू है लेट से वो यहाँ पे है, तो इसकी जो आउटर प्रोबेबिलिटी है दैट वुड बी कॉल्ड एज अ पी वैल्यू, ठीक है। सो आपकी जो भी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी आउटर प्रोबेबिलिटी या एक्सट्रीम प्रोबेबिलिटी को हम
पी वैल्यू कहते हैं। सो दैट मीन जो पी वैल्यू है ये भी एक प्रोबेबिलिटी है, अल्फा भी प्रोबेबिलिटी की सेंस में, जैसे हम 1% या 5% ले रहे होते हैं, लेकिन अल्फा प्री डिसाइडेड होते हैं और पी वैल्यू हम अपने टेस्ट स्टेटिस्टिक्स की बेसिस के ऊपर कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। और मोस्टली जो हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हैं लाइक मिनी टैब ले लें या आर हम जो यूज़ कर रहे हैं, आर भी जो है वो हमें पी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके दे रहा होता है, और उसकी बेसिस के ऊपर हम डिसीजन कर रहे होते हैं कि हम एच नॉट को एक्सेप्ट करें या एच नॉट को हम रिजेक्ट करें। अब पी वैल्यू निकालने का तरीकेकार क्या होगा कि हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टेस्ट स्टेटिस्टिक्स की वैल्यू आई थी, लाइक जैसे यहाँ पे टेस्ट स्टेटिस्टिक्स की वैल्यू आपके पास आई थी 3.25, ठीक है जी। सो मैं क्या करूँगा, मैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूँगा। सो यहाँ से आपके पास आ गया जी जेड 0 है, ओके। सो जेड जो वैल्यू आई थी दैट इज 3.25, तो मैं इसकी आउटर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूँगा। सो आउटर प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने का तरीकेकार क्या है, मैं क्या करूँगा 3.2 को 5 में जेड टेबल में डायरेक्ट वे से देखूंगा। सो अगर मैं देखूँ यहाँ पे 3.25, सो अगर मेरे पास यहाँ पे वो वैल्यू नज़र ही नहीं मुझे आ रही, मीन 3.2 है ही नहीं, तो विच मीन मेरे पास उसका आंसर क्या है, आप ले सकते हो 0.05 एग्जैक्ट ले सकते हो। सो दैट मीन मेरे पास इस सिचुएशन के अंदर वो है नहीं, तो मेरे पास जो जी की वैल्यू इसके अगेंस्ट वैल्यू आ रही है विच इज 0.5 ही आ रही है, ठीक है जी। ओके सो अब हमारे पास क्या, हमें क्या होता है कि हमने जब, क्योंकि मुझे जब जो एरिया निकाला है वो ये वाला निकाला था, तो दैट मीन ये वाला एरिया मुझे पता है कि वो 0.5 के बराबर होता है। जब मैं 0.5 में से इसकी प्रोबेबिलिटी जो कि वो भी 0.5 ही आई है फ्रॉम द टेबल, तो मैं जब 0.5 में से 0.5 को माइनस करूंगा तो आंसर क्या आ गया 0.000। सो दैट मीन कि मेरे पास जो पी वैल्यू का आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है, ओके। सो अब हमारे पास क्या है जी, पी वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 0.000 हमारे पास आ गई है। अब डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया के, अगर पी वैल्यू आपके प्री डिसाइडेड अल्फा वैल्यू से, जो कि 5% हमने ज्यूम किया हुआ था इन अ प्रीवियस एग्जाम्पल, अगर पी वैल्यू आपकी अल्फा वैल्यू से ग्रेटर है तो हम कहेंगे एक्सेप्ट एच नॉट, अगर पी वैल्यू लेस है तो हम कहेंगे रिजेक्ट एच नॉट। सो जैसे यहाँ पे हमारे पास जो पी वैल्यू आ रही है वो लेस देन 0.05 आ रही है, सो वी विल से रिजेक्ट एच नॉट, जैसे कि हमने प्रीवियसली भी देखा था कि आपका एच नॉट जो है वो रिजेक्ट हो रहा है। सो दैट मीन वी कैन से दैट द मीन बर्निंग रेट इज नॉट 50, इट कुड बी ग्रेटर इट कुड बी लेस, बट हेयर वी आर सेइंग इट इज नॉट 50 हमारे पास आ रहा है, ओके जी। सो ये हम ऑलरेडी कर चुके हुए थ्रू पी वैल्यू के जरिए। अब हम आ जाते हैं, जैसे कि वी नो दैट के इसका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल की लिमिट होती है व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन मीन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमने उसको डिसीजन मेकिंग के अंदर यूज करना है। सो कॉन्फिडेंस इंटरवल आपके पास क्या है, लाइक एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फा बाई टू सिग्मा ओवर एन अंडर रूट, कि अगर आपने म्यू के अगेंस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करना है। सो वी ऑलरेडी नो दैट, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर इसको डिटेल में डिस्कस भी किया हुआ है। सो इसी प्रॉब्लम को अगर मैंने कॉन्फिडेंस इंटरवल के पॉइंट ऑफ व्यू से कंक्लूजन ड्रॉ करना हो तो मैं कैसे करूँगा, क्योंकि 95% मीन जब आपके पास अल्फा 5% है तो 95%, बट अब मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द कि वेदर वी शुड एक्सेप्ट और रिजेक्ट द एच नॉट, ठीक है जी। जैसे कि हमें पता है कि हमारा एच नॉट क्या था, कि म्यू इज इक्वल टू 50, और ऑल्टरनेटिव क्या था, म्यू इज नॉट इक्वल टू 50। सो सबसे पहले तो मैं कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालूंगा विच इज एक्स बार माइनस जेड अल्फा बाई टू सिग्मा ओवर एन अंडर रूट इज लेस देन और इक्वल टू म्यू इज लेस देन और इक्वल टू एक्स बार प्लस जेड अल्फा बाई टू सिग्मा ओवर एन अंडर रूट, ठीक है जी। सो एक्स बार क्या है 51.3, माइनस जेड अल्फा बाई टू की वैल्यू हमने निकालनी है अगेंस्ट 95%, सो वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हुए हैं, वो आ रही थी जी 1.96। सिग्मा की वैल्यू क्या जी 2 स्केयर रूट ऑफ एन, स्केयर रूट ऑफ एन दैट इज 25 का स्केयर रूट क्या आ जाएगा 5 इज लेस देन और इक्वल टू दिस वन, इसी तरीके से आपके पास आ जाएगा 51.3 माइनस प्लस 1.96 2/5। सो ये लोअर लिमिट आ जाएगी, ये अपर लिमिट आ जाएगी। सो वंस कि जब आपने लोअर और अपर लिमिट कैलकुलेट कर ली, सो अब आप क्या करोगे, आप चेकआउट करोगे कि क्या 50 जो है वो इस रेंज के अंदर लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, बिकॉज हमारा एच नॉट क्या है, म्यू इज इक्वल टू 50। अगर 50 आपका इस रेंज के अंदर लाई कर रहा हो तो हम कहते हैं एक्सेप्ट एच नॉट,
अगर 50 आपका इस रेंज के अंदर जो कॉन्फिडेंस इंटरवल की रेंज आएगी उसके अंदर नहीं लाइक कर रहा होगा तो हम कहेंगे रिजेक्ट एच नॉट, जो कि अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो 50 इस रेंज के अंदर नहीं लाइक कर रहा होगा। सो दैट्स वाई विल से रिजेक्ट एच नॉट। इन अदर सेंस वी कैन से द मीन बर्निंग रेट इज नॉट इक्वल टू 50। ठीक है जी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमने जब टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कैलकुलेट करनी है फॉर पॉपुलेशन मीन व्हेन सिग्मा इज गिवन, ठीक है, सो उसको हमने तीन तरीकों से किस तरीके से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, यूजिंग कॉन्फिडेंस इंटरवल, यूजिंग क्रिटिकल रेंज एज वेल एज यूजिंग पी वैल्यू। अब ये हमारे पास एक सेकंड क्वेश्चन है, तो इसमें मैं क्या करूँ कि सबसे पहले हम जो है वो अगेन नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाएंगे। तो वो क्वेश्चन क्या है, द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ फाइबर इज रिक्वायर्ड टू बी एटलीस्ट 150 PSI। सो इट मीन जो फर्स्ट स्टेप है हमारा नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्रिएट करने का, उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा जी, एच नॉट म्यू इज एटलीस्ट 50, क्योंकि 150 बीच में शामिल है। तो इट मीन हम एच नॉट स्टेटमेंट पहले बनाएंगे। सो एटलीस्ट का मतलब है कि कम अज कम, सो दैट मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू 150, और ऑल्टरनेटिव क्या आ जाएगा, म्यू इज लेस देन 150। ठीक है। सेकेंड स्टेप में एल्फा हमें कितना गिवन है, अब वो कह रहे हैं 5% पे भी चेक करो, 1% पे भी। सो लेट्स से मैं 5% ले रहा हूँ। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हमें सिग्मा गिवन है, सो इट मीन जी एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये क्या है, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप में हमें कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन के लिए मुझे ये जो वाई है, ओके लेट्स से इसको एक्स को हम वाई बार कह देते हैं, ओके ताकि ये इन वैल्यूज को हम रिप्रेजेंट कर सकें। सो मुझे वाई बार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन चार वैल्यूज का एवरेज निकालनी पड़ेगी। ठीक है। सो 145 प्लस 153 प्लस 150 प्लस 147 डिवाइडेड बाय 4 करके आपके पास वाई बार का आंसर आ जाएगा। म्यू हमें गिवन है, सिग्मा 3 गिवन है, एन हमारे पास जो है वो हमें दैट इज ऑल्सो गिवन विच इज बेसिकली 4 है। ठीक है जी। सो एन इज इक्वल टू 4, सो हमारे पास जेड की वैल्यू आ जाएगी। और अब क्योंकि जो क्रिटिकल रीजन है वो हम कौन सा यूज करेंगे, क्योंकि एच वन लेस है तो जेड इज लेस देन माइनस जेड अल्फा के अकॉर्डिंगली आ जाएगा। ठीक है जी। और क्राइटेरिया वही है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो रिजेक्ट एच नॉट, अदरवाइज एक्सेप्ट एच नॉट। सो आई होप यू कैन डू दैट। सिमिलरली कॉन्फिडेंस इंटरवल भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वन साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल को आप कैसे जो है वो यूज कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर हम टी टेस्ट को बेसिकली इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे होंगे।